नमस्कार आदाब, मैं वसीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज 21 पॉजिटिव में। आज हम जिससे आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक सोशल वर्कर भी हैं और आसनसोल नगर निगम की 16 नंबर वार्ड से यहाँ की टीएमसी के कैंडिडेट भी हैं। उनका नाम है मुनमुन मुखर्जी। आइए आज उनसे हम चुनाव पर कुछ नगर निगम चुनाव पर चर्चा करेंगे, हमसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका वेलकम है। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप 16 नंबर वार्ड से कैंडिडेट हुई हैं टीएमसी की, पहली बार राजनीति कर रही हैं, राजनीति में उतरी हैं आप? तो टिकट आपको मिला है रूलिंग पार्टी के, जो है रूलिंग पार्टी ने आपको टिकट दिया, कैसा फील कर रही है, कैसा लग रहा है, पहले आप बताएं। जब पहली बार फर्स्ट टाइम के लिए खबर मिला कि मेरा नाम सिलेक्टेड हुआ है एज अ कैंडिडेट ऑफ टीएमसी फॉर 16 नंबर वार्ड, तो थोड़ा बहुत नर्वस तो हुए थे, नर्वसनेस था। उसके बाद जब मिलने लगे, काम करने लगे, अभी तो ठीक ही लग रहा है, अभी तो अच्छा भी लग रहा है कि अगर मतलब चांस मिला तो लोगों के लिए काम भी कर पाएंगे, क्योंकि जब जा रहे हैं जगह जगह पे तो बहुत सारा लग भी रहा कि यहाँ काम होना चाहिए, यहाँ ऐसा काम होना चाहिए, वहाँ ऐसा काम होना चाहिए, तब लग रहा है कि अगर चांस मिलेगा तो ये सब काम कर भी पाएंगे, तो अच्छा ही लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक्टिविटी पहली बार जो है कैंडिडेट होंगे पार्टी की, लेकिन आपके पिताजी जो है काफी सालों से पार्टी कर रहे हैं, टीएमसी पार्टी कर रहे हैं और यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कुर्टी के, तो अनुभव जो है थोड़ा आपको भी क्या लग रहा है, कम है आपको राजनीति में चूंकि, लेकिन आपके पिताजी हैं राजनीति में, तो कैसा लग रहा है? मैंने एक बैक सडनली आपको जो इतना बड़ा प्रेशर मिल गया है इलेक्शन का प्रेशर, तो हम बोल रहे हैं कि एक्टिवली पहली बार आए हैं लेकिन राजनीति से तो जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि मेरे पापा जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग हर तरीके से राजनीति में जुड़े हुए थे लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अभी जब एक्टिवली आए हैं तो और भी ज्यादा मतलब समझने लगे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। जब सुनते थे, ममता जी का फैन थे एक टाइम पे, लेकिन अब एक्टिवली जब आए हैं तो सब कुछ मतलब सारे जमीन पर सब देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 16 नंबर वार्ड में देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के यहाँ पे कैंडिडेट भी हैं, कुछ सीपीएम भी है और सीपीआई और आपको निर्दलीय इंडिपेंडेंट भी है, तो चुनौती किस तरह आप दीजिएगा? देखिए, चुनौती क्या देंगे, हम तो मेरे खिलाफ चारों कैंडिडेट हैं, यही हम दिख रहे हैं, चारों कैंडिडेट को मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं और हम लोगों का जो काम हुए, जो डेवलपमेंट किए हुए हैं उस हिसाब से तो हम लोग का कोई ऑपोजिशन रहना नहीं चाहिए, सभी वोट हमको ही मिलना चाहिए। और उसके बाद भी जो यहाँ वहाँ जो रह गए हैं तो कुछ कुछ काम मतलब हम लोगों को करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, मिसकॉन्सेप्शन भी है, ये सब दूर करना पड़ रहा है। जब हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जब मतलब लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम ये क्यों नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ है, तो तब पता चल रहा है कि कुछ कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये सब दूर करना पड़ रहा है। 16 नंबर वार्ड का सबसे पहला समस्या क्या है जो आप अगर जीतती हैं तो सबसे पहले उसको समाधान करिए? 16 नंबर क्योंकि आप यहाँ रहती हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो घर है, घर बनाना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि सच में उन लोगों का नीड है कि घर बनाना, तो पहला काम होगा मेरा इसमें काम करना, घर जो है वो पहला नीड है। आप एक चीज पर देखिए, हम यहाँ कुल्टी विधानसभा में, खासकर क्योंकि आप भी कुल्टी विधानसभा में रहते हैं, कुल्टी विधानसभा में चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए कुछ ऐसा जो है, कोई ऐसा हेल्थ सेंटर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आसनसोल दुर्गापुर बर्दवान जाना पड़ता है, उस पर जो है क्या मैंने सेंटर मतलब क्या बोल रहे हैं, हेल्थ सेंटर मतलब गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर या किसी चिकित्सा का जो आराम मिले, जिसको लोगों को जनता को दूर में ना जाना पड़े, कुल्टी में आज तक नहीं है ऐसा हुआ, नहीं है हेल्थ सेंटर, उस पर क्या आपकी जो है सिंगिंग में क्या सोचती है? ये तो होना चाहिए, अभी हम लोग अगर आते, ये तो ऊपर मतलब हाई कमांड का जो ये है चिकित्सा, आपकी सरकार यहाँ 15 साल से है। हाँ, 15 साल से आपके टीएमसी की सरकार है, तो इस विषय में क्या आपकी सरकार इस पर ध्यान नहीं दी? ध्यान हेल्थ सेंटर तो है भाई, और आसनसोल हॉस्पिटल जो है आसनसोल में तो जानते हैं, अगर आप सरकारी सुविधा की बात कर रहे हैं, अगर प्राइवेट की बात करेंगे तो वो तो अलग है ना। सरकारी सुविधा ही पर मैं बात कर रहा हूँ कि कुल्टी में जो है आपके सरकारी कोई भी एक हेल्थ सेंटर नहीं है, जो कुल्टी के लोगों को आसनसोल जाना पड़ता है, तो कुल्टी में ही क्यों नहीं, कुल्टी में क्यों नहीं जो है
इस बारे में हम बात करेंगे अगर चांस मिलेगा तो, इस बारे में क्योंकि आपकी सरकार है 15 साल से यहाँ पर टीएमसी की, इस पर जो है ये बहुत बड़ा एक इशू है, सीरियस माने एक बहुत बड़ा इशू है जी, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या होना चाहिए, होना चाहिए के लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपकी नजर में तो ऐसा होगा यहाँ के लोग जो है दूसरी जगह जाना पड़ता है इमरजेंसी में, देखा जा रहा है कि नाला ड्रेन वगैरह का भी मामला आ रहा है सामने की साफ सफाई परिष्कार जो है यहाँ पर बहुत कम होता है, ऐसा तो नहीं है हम लोगों के यहाँ, अगर देखेंगे आप 16 नंबर वार्ड में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी गया है कि नाला साफ साफ नहीं होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है 16 नंबर में, पब्लिक का सीरियस माने एक बहुत बड़ा इशू है जी, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या होना चाहिए, होना चाहिए के लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपकी नजर में तो ऐसा होगा यहाँ के लोग जो है दूसरी जगह जाना पड़ता है इमरजेंसी में, होना चाहिए, देखा जा रहा है कि नाला ड्रेन वगैरह का भी मामला आ रहा है सामने की साफ सफाई परिष्कार जो है यहाँ पर बहुत कम होता है, ऐसा तो नहीं है हम लोगों के यहाँ, अगर देखेंगे आप 16 नंबर वार्ड में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी गया है कि नाला साफ साफ नहीं होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है 16 नंबर में, पब्लिक का रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है जब आप प्रचार में निकल रहे हैं, बहुत अच्छा, पब्लिक क्या बोल रही है आपको, बहुत अच्छा मिल रहा है कि आइए, ऐसा कैंडिडेट हमको चाहिए था बहुत दिनों से कि आप सामने आइए, हमने सोचा नहीं था कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी, तो जब आई है तो ये हम लोगों का मतलब बहुत अच्छा लगा, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट था, हम लोग बहुत देर से डिमांड था कि ऐसा कैंडिडेट सामने आए और हमारे वार्ड का डेवलपमेंट हो। एक प्रश्न मेरा आपसे और है कि आप क्योंकि महिला हैं, महिलाओं के बारे में खुद खास कर क्या सोच रही हैं, अगर आप जीतती हैं तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए तो जो मतलब सेल्फ डिपेंडेंस के लिए कुछ महिलाएं बोल रहे हैं कि हमको ये काम दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए, तो पहले तो आना पड़ेगा, उसके लिए हम यही बोल रहे हैं कि पहले हमको चांस दीजिए, उसके बाद ही हम सोचेंगे क्या कर पा रहे हैं, पढ़ी लिखी भी देख रहे हैं महिला जो है घर पर बैठी हुई है, उनको जो है कुछ रोजगारी नहीं है या ऐसा कुछ माने सेंटर वगैरह यहाँ पर नहीं है जो मैं कुछ अपना काम कर सकें, इस बारे में हम सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, इस बारे में ध्यान भी देंगे क्योंकि ऐसा सच में बहुत है, पढ़ी लिखी है तो इस बारे में हम जरूर सोचेंगे, इस विषय में जो है आप क्या माने क्या एक्शन लीजिएगा, अगर आप यहाँ से नीट करती हैं जीतती हैं तो इस पहला ये माने इस सिस्टम में क्या आप करना चाहिए, देखिए सरकारी सुविधा जो है ये तो पहले मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा, हम तो ऐसा कुछ काम नहीं उन लोगों को नहीं दे पाएंगे कि जो हमारे हाथ में नहीं है, तो पहले वो सब मालूम करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम, हमारा पॉलिसी क्या है, ये पहले मेरे को अच्छे से जानना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही हम कर पाएंगे, पहले तो बोल नहीं पाएंगे आपके लिए कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, ऐसा तो बोल नहीं पाएंगे ना, चलिए हमारे शुभकामना आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक। तो आपने सुना कि अभी हमने मुनमुन मुखर्जी से बात किया जो यहाँ के टीएमसी कैंडिडेट है 16 नंबर वार्ड कुल्टी विधानसभा जो पड़ता है यहाँ पर मान्य स्थानीय आ गई है, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप में हमारे सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो जितना भी बड़ा बड़ा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है, समस्या है, उसको हम समाधान करेंगे और अपने सीनियर नेताओं के पास भी बात को रखेंगे कि इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें।